Good morning, students, and welcome to the new topic, that is the poison apparatus in snakes. यानी जो poisonous snakes होते हैं उनमें पाए जाने वाले जो विशिष्ट उपकरण जिसको हम विष उपकरण या poison apparatus कहते हैं. तो इस वीडियो द्वारा poison apparatus के बारे में पढ़ेंगे. poison apparatus की स्ट्रक्चर पार्ट्स क्या हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैंग्स एक्सेट्रा वी विल स्टडी. सो इन द केस ऑफ पॉइजनस स्नैक्स द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर या अपैरेटस विच इज सीन इन देयर हेड्स इज नोन एज द पॉइजन अपैरेटस. एंड दिस टाइप ऑफ poison apparatus is not at all found in the case of non-poisonous snakes. ये non-poisonous snakes के अंदर इस तरह के उपकरण या apparatus नहीं होते हैं. So first of all see what are the important parts of the poison apparatus. So poison apparatus में main जो parts होते हैं वो हैं a pair of poison glands. Okay, they are the pair of poison glands, their ducts, fangs and also the muscles. Okay, so we can say ki this poison apparatus or apparatus is present on their head region. Okay, और इस poison apparatus के अंदर जो main four parts होते हैं वो है एक जोड़ी पॉइजन ग्रंथि. ओके, और उसके वाहिनियाँ या डैक्ट. ओके, विष वाहिनियाँ होते हैं या पॉइजन डैक्ट्स हैं. फैंग्स जो हैं, फैंग्स को कहते हैं दैट इज द विष दंत. ओके, विष दंत या फैंग्स. ओके, देन मसल्स. ओके, उससे रिलेटेड जो मसल्स या जो पेशियाँ होती हैं. तो सबसे पहले देखें पॉइजन glands. Okay, poison glands are two sac like structures. Okay, दो sac या कोश के समान संरचनाएँ होती हैं ये poison ग्रंथियाँ, and they are located on either side of the upper jaw. Okay, और ऊपरी जो jaw है और वो jaw के बिल्कुल ही दोनों side की ओर. Okay, ऊपरी जबड़े की दोनों ओर की उन्हों और स्थित होते हैं एक एक पॉइजन ग्रंथियाँ. ओके, और ये वास्तव में आइस के ठीक नीचे. ओके, और पीछे की ओर स्थित होते हैं एंड बिलो द दे आर लोकेटेड बिलो द आइस एंड सम वॉट बिहाइंड द एंड कहते हैं दे आर द मॉडिफाइड सुपीरियर लेबियल और पैरोटिड ग्लैंड्स. यानी ये रूपांतरित सुपीरियर लेबियल और पैरोटिड ग्लैंड होते हैं. ओके, सुपीरियर लेबियल और पैरोटिड, पैरोटिड यानी कर्णपूर्व जो ग्रंथियाँ होती हैं उसके अनुसार, और जाति के अनुसार ये विष ग्रंथियाँ छोटी और अंडाकार प्रकार के होते हैं. तो अंडाकार प्रकार की इस तरह की जो विष ग्रंथियाँ होती हैं वो एक्चुअली जो सी स्नैक्स होते हैं. ओके, सी स्नैक्स में पाए जाते हैं, और ट्यूबुलर जो हैं, ट्यूबुलर एंड लार्ज जो आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ द वाइपर्स, ये वाइपर्स के अंदर उपस्थित होते. तो जो पॉइजन ग्रंथियाँ हैं वो सी स्नैक्स में अलग होते हैं, वाइपर्स में अलग होते हैं. तो सी स्नैक्स के अंदर जो हैं वो छोटे हैं और ओवल शेप में हैं, और वाइपर के अंदर हैं वो लार्ज होते हैं और नलिकाकार होते हैं. और जो ग्रंथियाँ होती हैं, प्रत्येक जो ग्लैंड है वो फाइब्रस संयोजी ऊतक द्वारा स्थूल रूप से संपुटित होती हैं, और अधिकांशतः एक पंख आकार संकोचक पेशियाँ जो कंस्ट्रक्टेड मसल्स द्वारा ढकी रहती हैं, जिससे टेम्पोरल अथवा यह मैसेटर पेशियाँ कहते हैं. ओके, यानी ईच ग्लैंडलीज थिकली इनकैप्सुलेटेड विथ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज एंड कवर्ड बाय फैन शेप्ड कंस्ट्रक्टेड सेल्स. ओके, यानी
ये जो ग्लैंड होती हैं यानी पॉइजन ग्लैंड से, वो कैसे फाइब्रस संयोज कनेक्टिव टिश्यू द्वारा तंतुमय हो यानी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू द्वारा और स्थूल रूप से संपुटित रहते हैं, यानी स्थूल रूप से संपुटित मतलब होते हैं थिकली एनकैप्सुलेटेड, ओके। और अधिकांश इनका जो है एक प्रकार की जो मसल्स पाए जाते हैं उसको कहते हैं फैन शेप्ड कंस्ट्रिक्टेड मसल्स, ओके। फैन शेप्ड कंस्ट्रिक्टेड मसल्स यानी दिस इज द कंस्ट्रिक्टेड मसल्स एंड दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज टेम्पोरल और मैसेटर मसल्स, मैसेटर मसल्स। और इट्स स्ट्रेचिंग ड्यूरिंग बाइटिंग स्क्वीज़ेस द पॉइजन फ्रॉम ग्लैंड टू इट्स डक्ट। ये जो मसल्स हैं इनकी स्ट्रेचिंग के कारण और जो बाइटिंग करते वक्त जो स्ट्रेचिंग होती है जिससे के कारण जो पॉइजन ग्रंथि में से वो पॉइजन जो है वो वाहिनीय होकर के बाहर की ओर आ जाते हैं, स्क्वीज करके देखें बाहर की ओर आता है। नेक्स्ट है द पॉइजन डक्ट्स, ओके। आर द पॉइजन डक्ट्स, द पॉइजन डक्ट्स आर नैरो डक्ट लीड्स एंटीरियरली फ्रॉम ईच पॉइजन ग्लैंड टू द बेस ऑफ द पॉइजन फैंग टू एंडर इट्स ग्रू और कैनाल। क्या था पॉइजन डक्ट्स, दूसरा जो पार्ट होते हैं वो है पॉइजन डक्ट, ओके। और ये जो ग्रंथि से पॉइजन जो ग्लैंड होती है उनमें से निकलने का एक संकीर्ण विष वाहिनी या पॉइजन डक्ट आगे की ओर जो फैंग है या टीथ जो पॉइजन टीथ होता है जिसको हम फैंग कहते हैं उसके आधार तक एक ग्रूव और या उसकी एक खांच के प्रणाली में प्रवेश करने को जाती हैं, ओके, प्रवेश करने को जाती हैं। तो ये कहाँ उपस्थित होता है पॉइजन डक्ट, यानी जो प्रत्येक विष जो ग्रंथि से निकलने वाली जो डक्ट होती है इनमें से निकलने वाली जो डक्ट कहाँ की ओर जाती है, फैंग की आधार तक उसकी खांच या फिर उसकी ग्रूव से आगे की ओर जाती है, ओके। थर्ड दैट इज़ द फैंग, जो पॉइजन टीथ होता है उसको फैंग कहते हैं। और ये कहाँ उपस्थित होते हैं और इसका मॉडिफिकेशन क्या है, दे आर स्पेशलाइज टाइप ऑफ टीथ, ये फैंग्स जो होते हैं एक विशिष्ट प्रकार की टीथ होते हैं और दे आर अटैच्ड टू द मैक्सिलरी बोन्स, ये मैक्सिलरी बोन्स जो है मैक्सिलरी अस्थियों से संलग्न रहते हैं। और ये किस तरह से होते हैं, आर लॉन्ग कर्व्ड पॉइंटेड एंड शार्प स्ट्रक्चर्स, ये काफ़ी लंबे, ओके, लंबे वक्र तेज और नुकीले नीडल्स के सम, ओके, नीडल के शरीर में जो विष प्रकृष्ट करने का जो हाइपोडर्मिक नीडल्स का कार्य करते हैं, बिल्कुल ये हाइपोडर्मिक नीडल्स के समान ये कार्य करते हैं। जब भी पॉइजन जो है इंजेक्ट करते हैं तो वो नीडल की भांति कार्य करते हैं, ओके। नेक्स्ट वी कैन से दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द वेनमस स्नैक्स, ओके। तो देखें इसमें जो वेनमस स्नैक्स है इसके अंदर की जो फैंग सी इसमें दिस इज द पॉइजन ग्लैंड, ओके, क्लियर, आई विल शो यू, दिस इज द पॉइजन ग्लैंड, ओके, पॉइजन ग्लैंड, ओके, और दिस इज हियर इट इज द डक्ट, ओके, एंड हियर इट इज द ग्रूव एंड हियर इट इज द फैंग, दिस इज द फैंग विच एक्ट इज द हाइपोडर्मिक नीडल्स, जस्ट लाइक इट एक्ट लाइक द हाइपोडर्मिक नीडल्स ड्यूरिंग द बाइटिंग एंड दिस इज द बाइफिड टंग, ओके। सो वी कैन से द फैंग, ओके, फैंग बता दिया, फैंग है, दीज आर द अदर टूथ, ओके, टूथ एंड फैंग जो हम पॉइजनस टीथ कहते हैं, और ये कैनाल हुआ वेनमस कैनाल जो है, ओके, और ये ठीक आई के पीछे की ओर थैलेनुमा संरचना के रूप में टू सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दोनों साइड में उपस्थित होता है, वो है पॉइजनस ग्लैंड, ओके, और ये इसका डक्ट के रूप में यहाँ पर ये डक्ट, ओके। सो
Next we can say, this is the structure, we can say, और इन सीटू जो पॉइजनस अपैरेटस इन सीटू में यानी उपस्थित होते हैं, इसके लोकेटेड इनसाइड द बॉडी. ओके, और हेड ऑफ द लैकिनस दैट इज म्यूटा. ओके, अनडिसेक्टेड. ओके, अनडिसेक्टेड फॉर्म में जो कि मैं अभी जस्ट बताई थी वैसे ही है. ओके, और ये डिसेक्ट आउट करने के बाद में इसका जो पोर्शन है ये क्लियर आपको दिखाई देंगे. यानी here it is the poison, this is the poison gland. Okay, poison gland, and here it is the poison duct, and there is the fang. This is the fang, two pair of fangs. Okay, these are the fangs, or this is the opening of the fang, this opening of the fang or grooves andar ki tarah, aur ye jo hai this is the रिजर्व फैंग्स. ओके, अब इसमें जो मसल्स हैं इट इज कंस्ट्रिक्शन मसल्स एंड द असल द नेक्स्ट मसल्स जो हैं. ओके, नाउ मसल्स में जो कि मैंने आपको बता दिया था कि डायगैस्ट्रिक मसल्स. ओके, डायगैस्ट्रिक मसल्स एंड ऑल्सो द स्पिनो टेरिगोल्ड मसल्स एंड एक्टो टेरिगोल्ड मसल्स. मसल्स ऐसे होल ही यहाँ लिख रखा है, कंस्ट्रक्शन. ओके, एंड मसल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कैन से दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ. इसका उसके अलावा देन के पढ़ते हैं. और इस तरह से ये जब भी ये पॉइजन फैंग जो है वो नष्ट हो जाते हैं. ओके, और दिस पॉइजन फैंग्स ये नष्ट हो जाते हैं तो नए जो है रिजर्व टूथ से इसका डेवलपमेंट होता है. ओके, इट इज रिप्लेस्ड वन ऑफ द रिजर्व्ड फैंग्स. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड पोजिशन ऑफ द पोजिशन ऑफ द फैंग्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. कि इसका संरचना यानी जो फैंग्स हैं और फैंग्स के संरचना एवं पोजिशन को के अनुसार आधार पर फैंग्स तीन प्रकार के होते हैं. ओके, कितने हैं? तीन प्रकार के ये हैं. दैट इज द फर्स्ट वन इज नोन एज द सोलेनोग्लाइफस. फर्स्ट टाइप ऑफ फैंग्स आर नोन एज द सोलेनोग्लाइफस. इस सोलेनोग्लाइफस में वी कैन से द फंक्शनल फैंग ऑकोर्स ऑन द फ्रंट ऑफ ईच मैक्सिला. जो फंक्शनल फैंग होते हैं और जो मैक्सिला अस्थि होते हैं उनके आगे की ओर स्थित होते हैं. और इट्स बेस इज कवर्ड ऑन ऑल साइड्स बाय ए शीथ. इसकी जो बेस है उसका आधारीय भाग एक शीथ के चारों तरफ कवर किया गया है. एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ फ्यू रिजर्व फैंग्स. यानी इसी में जो शीथ है उस शीथ के अंदर कुछ जो हैं रिजर्व फैंग्स या रिजर्व पॉइजनस टीथ उपस्थित होते हैं. ओके, द फैंग्स आर ऑल्सो मूवेबल. ओके, द फैंग्स ये जो है इनमें जो फैंग्स होते हैं पॉइजनस टीथ होते हैं दे ऑल आर मूवेबल टाइप. और पॉइजन जो कैनाल है लाइंड विथ इनामल रन्स थ्रू द फैंग. और ये पॉइजन कैनाल है और जिसके इनामल के कवरिंग होती है और वो द फैंग्स के अंदर होकर के निकलते. और इसके एग्जाम्पल्स के रूप में वाइपर एंड रैटल स्नैक्स. नेक्स्ट है द नेक्स्ट वन दैट इज़ द प्रोटीरोग्लाइफस. प्रोटीरोग्लाइफस इनमें फैंग्स जो छोटे होते हैं इवन दे आर लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द मैक्सिला. मैक्सिला के ठीक सामने स्थित होते हैं एंड परमानेंटली इरेक्ट सीधे रहते हैं. परमानेंटली इरेक्ट और आगे के स्थायी रूप से सीधे खड़े रहते हैं. ओके, सीधे ये खड़े रहते हैं और अपने प्रत्येक जो फैंग है अपने पूरे अग्रतल के साथ खांचदार ही होता है. प्रोटीरो मीन्स फर्स्ट, पूरी तरह से. तो इसके एग्जाम्पल के रूप में है वी कैन से कोबरास. ओके, कोबरास के अंदर इस तरह के पाए जाते हैं प्रोटीरोग्लाइफस टाइप के. क्रेट के अंदर, कोरल स्नैक्स के अंदर एंड सी स्नैक्स के अंदर. ओके, नेक्स्ट है दैट इज द ओपिस्थोग्लाइफस. ओपिस्थोग्लाइफस यानी ओपिस्थोग्लाइफस का ओपिस्थो का मतलब होता है बिहाइंड. ओके, ओपिस्थो मीन्स बिहाइंड. तो इनमें
जो कुछ प्रकार के जो फैमिलीज जो सब पॉइजनस स्नैक्स होते हैं जो फैमिली कोलिब्रिडे में आते हैं उनमें इस प्रकार की फैंग्स पाए जाते हैं। इसमें भी फैंग्स जो है छोटे होते हैं और मैक्सिला जो अस्थियाँ होती हैं उसके ठीक पीछे की ओर उपस्थित है, लोकेटेड द बैक ऑफ द मैक्सिला। और इसके पश्च जो बॉर्डर है पोस्टीरियर बॉर्डर है और हर एक जो फैंग जो है वो खांचेदार होती हैं और वो खांचेदार कहाँ तक होते हैं, पोस्टीरियर बॉर्डर तक। और यानी कहने का मतलब जो कोलिब्रिडे कुल के या फैमिली के कुछ जो पॉइसनस स्नैक्स होते हैं इनमें ये ओपिस्थोग्लाइफस प्रकार की फैंग्स पाए जाते हैं और ये मैक्सिला की पीछे की तरफ पर पीछे स्थित होते हैं। और प्रत्येक जो फैंग्स होते हैं वो अपने पश्च किनारे या पोस्टीरियर जो किनारे के साथ साथ वो खांचदार या ग्रूव्ड होते हैं। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच। ओके।